वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं हूं डेकोरम कार एक्सेसरीज करोलबाग में और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पंच के बेस मॉडल के मॉडिफिकेशन की। और आज का जो अपना बजट रहने वाला है वो 30,000 रुपए के बजट में काफी कुछ एक्सेसरीज आपको देखने को मिलने वाली है पंच के बेस मॉडल के लिए, जो कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। तो सबसे पहले इंटीरियर से बात करना चाहूंगा मैं, क्योंकि यहां पे आपको सबसे बेस मॉडल के अंदर सबसे जो मेन फीचर मिसिंग मिलता है वो आता है म्यूजिक सिस्टम। तो यहाँ पे अपना जो 9 इंच की स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन जो है वो आपको काफी स्मूथ देखने को मिल जाती है, कोई लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। एंड्रॉइड सिस्टम है तो यहाँ पे आपको कई सारे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो क्रोम ब्राउजर है, प्ले स्टोर है, मैप है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे यूट्यूब वगैरह का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी काफी सारी जो एप्लीकेशन है वो इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको रियर व्यू जो कैमरा है वो नहीं मिलता है, तो रियर व्यू कैमरे का भी जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और रियर से जो इसका व्यू है अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, काफी क्लियर जो आपको इसकी विजिबिलिटी है वो देखने को मिल जाएगी। और नाइट टाइम में भी ये बहुत ही बेहतरीन आपको व्यू ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों एक और अपना जो बेसिक फीचर में आता है वो आता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, तो वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, टाटा जेन्युइन वाले वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। और ये अपना पेयर्ड है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे नोट करिएगा, ये देखिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम माइनस कर रहा हूँ, वॉल्यूम प्लस कर रहा हूँ, सारे अपने जो है वर्किंग कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉल पिक एंड ड्रॉप के जो फीचर्स हैं सारे कुछ आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। और जो मेन बात है अपने टाटा जेन्युइन वाले जो यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो अपडेट किए गए हैं। साथ ही दोस्तों बेस वेरिएंट के अंदर आपको जो है वो मैनुअल लॉकिंग सिस्टम वाली की मिलती है, तो यहाँ पे उसका भी अपडेट किया गया है। आरडी कंपनी की सेंटर डोर लॉकिंग के साथ जो इसका रिमोट है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है। 3 साल की डोरस्टेप वारंटी आती है। पीछे आप यहाँ पे प्रॉपर आरडी की जो की है वो देख सकते हो। और ये अपनी फ्री फंक्शन के साथ ये आप देखें तो फ्री फंक्शन के साथ ये आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 2 बटन वर्किंग मिलते हैं, लॉक और अनलॉक के, और सेंटर वाला जो बटन है उसको आप म्यूट और अनम्यूट करके यूज कर सकते हैं। तो सेंटर डोर लॉकिंग यहाँ पे आ चुकी है रिमोट वाली, ये भी काफी यूजफुल फीचर है जो कि इसमें इस बजट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों एक रिक्वायरमेंट अपनी मैटिंग की जरूर से पड़ती है, तो यहाँ पे आप देखो तो अपने जो प्रीमियम वाले 70 मैट्स हैं वो भी इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। एक्सेसरीज के अंदर आपको एक्सटीरियर में भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप चाहें तो फॉगलेट लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे लगी हुई नहीं है। आप चाहें तो बेसिक एक्सेसरीज के तौर पे इसको भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें यहाँ पे नहीं लगाई है। लेकिन यहाँ पे अदर एक्सेसरीज के तौर पर आप देखें तो यहाँ पे आपको व्हील कवर्स मिल जाते हैं जो कि डुअल टोन वाले हैं, सिल्वर विद पियानो ब्लैक के जो इंसर्ट के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। लोअर गार्निश है फुल क्रोम इंसर्ट के साथ, ये अपनी लोअर गार्निश का इंस्टॉलेशन किया गया है जो कि अपनी 6 पीस वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो 3 पीस इस साइड में और 3 पीस आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। अपने जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये आप देखो तो फुल क्रोम वाले जो अपने डोर हैंडल्स हैं वो किए गए हैं। और इसके अंदर भी आपको स्केचर देखो देखने को मिल जाता है। पीछे वाला जो डोर हैंडल है वो भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। आईपॉप के जो डोर गार्ड्स हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं, तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए। और यहाँ पे आप ये वाला पोर्शन भी देख सकते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं साइड प्रोटेक्शन के लिए। कोई भी आप डोर खोलते हैं, पार्किंग वगैरह में गाड़ी खड़ी है, तो आपकी गाड़ी जो है काफी हद तक स्क्रेचेस वगैरह से सेफ रहेगी, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। बात करते हैं रियर प्रोफाइल की दोस्तों, तो यहाँ पे अपने जो टेल लैंप्स है उसके ऊपर भी आपको क्रोम का जो फुल इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। ये अपनी क्रोम की जो टेल लाइट गार्निश है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, इस साइड से भी आप इसको देख सकते हो। और रूफ की बात करते हैं तो यहाँ पे अपनी जो रूफ रेल्स है वो लगाई गई है, और यहाँ पे आप इसको देख लीजिए तो प्रॉपर आपकी जो फिटमेंट है किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। एक्यूरेट आपको यहाँ पे जो इसकी फिटमेंट है वो की गई है, और यहाँ पे जिस तरीके से इसके बैंड्स वगैरह रहते हैं उस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, और अच्छी तरीके से चिपक चुकी है। एक एंटीना जो है इस वेरिएंट में नहीं आता है, तो एक एंटीना जो है ये भी इंस्टॉल किया गया है। तो ये सारा कुछ जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है डेकोरम कार एक्सेसरीज पे, और इसकी जो टोटल कॉस्टिंग आई है वो 30,000 रुपीज की है। तो 30,000 रुपए कॉम्बो के अंदर सारी कुछ जो एक्सेसरीज है वो इस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी गई है।